वेलकम टू फ्लाई फाई स्टडी दोस्तों, आपका स्वागत है फ्लाई फाई स्टडी में। दोस्तों एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है, फिर चलेंगे सेशन पे। ठीक दोस्तों, किसी को छोटा ना समझे, किसी को छोटा ना समझे, छोटे से मार्क्स ने दोस्तों करोड़ों का व्यापार कर दिया। और महंगे जो कपड़े थे उस शोरूम में लटकते रह गए दोस्तों। ठीक दोस्तों, जो जो दोस्तों कोड है इसका मोटिवेशन इसका दोस्तों आप इससे समझिएगा। देखिए इसमें लिखा है किसी को छोटा ना समझे। देखो दोस्तों, छोटे से मार्क्स ने करोड़ों का व्यापार कर दिया दोस्तों। ठीक, और जो दोस्तों महंगे कपड़े थे वो ऐसे वैसे पड़े बढ़ गए। ठीक दोस्तों आप लाइफ में किसी को छोटा बड़ा ना समझे। ठीक, सभी की जो है दोस्तों महत्व जो है समान दीजिए। ठीक, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ठीक, किसी को भी छोटा ना समझे कभी भी लाइफ में। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों रहा छोटा सा मोटिवेशन कोट, फिर दोस्तों चल रहे हैं सेशन पे। ठीक दोस्तों, लोग अभी तक हम लोग दोस्तों पढ़े थे दिशा दूरी, उसका हम लोग का थियरी और जो कॉन्सेप्ट था वो हो गया कम्प्लीट। दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस करें इस समय, हाँ दोस्तों इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस में दोस्तों आज हम लोग का पार्ट थ्री है, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री लगभग हो चुका, आज पार्ट फोर है दोस्तों। ठीक, आज पार्ट फोर है दोस्तों, तो हम लोग आज दिशा और दूरी की करेंगे क्वेश्चन। ठीक, तो जो दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों अवश्य करें। ठीक, तो दोस्तों चल रहे हैं सेशन पे। तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन पे, आज के क्वेश्चन है दोस्तों, चल रहे हैं क्वेश्चन पे। ठीक, और दोस्तों मैंने जो ट्रिक है अभी तो ट्रिक नहीं बताया। ठीक दोस्तों, जो है पूरा कंसेप्ट बताते हुए दोस्तों पूरा जो है दिशा और दूरी का सॉल्व करा रहे हैं। ठीक, जो आपका जो वीडियो दोस्तों लंबा जाता है। ठीक तो दोस्तों, जैसे और सब लोग कराते हैं कि पहले ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक बताने के बाद दो तीन क्वेश्चन बताने के बाद दिशा और दूरी खत्म कर देते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ऐसा नहीं अपने चैनल दोस्तों। ठीक, हमने क्या पूरा पहले आपको जितना कॉन्सेप्ट था पूरा कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर उसके बाद प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों जो दोस्त वीडियो को देख रहे हैं तो हर समय जो है दोस्तों बने रहे आप। ठीक दोस्तों, हर समय जितना दोस्तों पूरा वीडियो पूरा देखें तब जाके आप अच्छे से समझ में आएगा। हाँ दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो अवश्य देखा कीजिए। ठीक, तो दोस्तों आज के क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन है आज का, और जो दोस्त आज नए आए हुए हैं चैनल पे वो जाकर चैनल पे जो पिछली वीडियो है वो जाके अवश्य देखें। ठीक, जो पिछली वीडियो दोस्तों जाके अवश्य देखें, उससे क्या दोस्तों जो अभी तक मैं पढ़ाया है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो देखो दोस्तों क्वेश्चन जो थोड़ा बड़ा है तो ध्यान दीजिएगा, ये है एक रूबी नाम कोई लड़की है, रूबी उत्तर की ओर 3 किलोमीटर। ठीक, जो रूबी थी उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलती है। ठीक, कितना गई है 3 किलोमीटर, फिर वह अपने बाएं मुड़ती है। ठीक, और 2 किलोमीटर चलती दोस्तों, कितना 2 किलोमीटर चलती है। दो से आप जो क्वेश्चन है क्वेश्चन से आप नोट्स कर लीजिएगा। ठीक, साथ साथ आप नोट्स कीजिए, ज्यादा आपको फायदा रहेगा। वह फिर वह फिर बाएं मुड़ता है, वह फिर जो है बाएं मुड़ती है वहां से। ठीक, कहां मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, वह बाएं मुड़ती है फिर और 3 किलोमीटर चलती है, कितना 3 किलोमीटर चलती है फिर।
3 2 3 चलती है। वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर पर है? वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर पर है? कितनी दूर पर है? ठीक, इसके दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका है 5 किलोमीटर, बी है आपका 3 किलोमीटर, सी आपका है 2 किलोमीटर, डी आपका है 1 किलोमीटर। तो दोस्तों क्वेश्चन ये रहा, देखो जो रूबी थी उत्तर की ओर चली 3 किलोमीटर, ठीक 3 गई, फिर वह अपने बाएं मुड़ती है, फिर क्या हुआ, वह अपने बाएं मुड़ती है, फिर चली 2 किलोमीटर, ठीक, फिर वहां से वो फिर बाएं मुड़ती है और फिर चली 3 किलोमीटर, तो वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर पर है? ठीक, तो आरंभिक स्थान से कितनी दूर पर है दोस्तों यार क्वेश्चन आप इसे नोट्स अच्छे से कर लीजिए, ठीक दोस्तों, नोट्स करने के बाद तब इसे दोस्तों सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। इसके ऑप्शन ये दिए गए हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बड़े हैं, ठीक, जो क्वेश्चन है थोड़ा बड़े हैं तो आप इसे घबराइएगा मत, जो बड़े क्वेश्चन है घबराइए मत दोस्तों, अच्छे से सॉल्व कीजिए, भले ही क्यों थोड़ा सा समय ज्यादा लगे आपको, भले ही आप आधे घंटे या मान लो 40 मिनट में आप 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो दोस्तों जो आप क्वेश्चन करें वो अच्छा हो क्वेश्चन, ठीक, जो क्वेश्चन दोस्तों वो क्वेश्चन आपका अच्छा हो, उससे क्या हो जितना आपके टॉपिक है सब कवर हो जाए, ठीक दोस्तों। आप इसमें फायदा है ना कि दोस्तों आप 15 20 50 क्वेश्चन कर लो फिर आपका कोई टॉपिक मतलब कवर ही ना हो, इसमें नहीं फायदा दोस्तों, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो दोस्तों, ठीक ठीक दोस्तों। देखो ये रहा रूबी, जो रूबी पहले उत्तर की ओर चली 3 किलोमीटर, ठीक, देखो दोस्तों ये आपकी दिशाएं रहा, ये रहा ईस्ट रहा, ठीक, ये रहा पूर्व रहा, ये रहा पश्चिम रहा, ये रहा नॉर्थ रहा, ये रहा साउथ रहा, ठीक। तो दोस्तों पहले उसने कहा है जो रूबी थी चली उत्तर, ठीक, देखो उत्तर होता है कहाँ, ऊपर की तरफ, देखो नॉर्थ रहा ऊपर की तरफ, पहले रूबी उत्तर गई, यहां से गई उत्तर, और कितना चली है, देखो चली है 3 किलोमीटर, रूबी यहां से चली अपने, मान लो इसका यहाँ घर है, रूबी का घर कहाँ, इस पॉइंट पे है, ठीक, ये चली 3 किलोमीटर, चली 3 किलोमीटर अपने घर से चली 3 किलोमीटर, ठीक, देखो यहां से चली 3 किलोमीटर, ठीक, आपका हुआ, देखो वह अपने, हाँ चलती है, फिर वह अपने बाएं मुड़ती है, ठीक दोस्तों, जो रूबी थी पहले 3 गई, फिर वहां से बाएं मुड़ी, कहां मुड़ी, बाएं, देखो ये रहा आपका बायां हाथ, ठीक, ये आपने कहा बायां हाथ, देखो ऐसे इस पे रखे, इस तरफ दायां होगा उस तरफ बायां होगा, ठीक, देखो दोस्तों बाएं मुड़ती है, और फिर 2 चली, कितना चली, बाएं मुड़ने के बाद वो चली 2 किलोमीटर, ठीक, चली 2 किलोमीटर, देखो यहां 2 चली, जो यहां चली 2, यहां चली 3, ठीक, फिर वहां फिर बाएं मुड़ती है, 2 चलने के बाद फिर वहां से बाएं मुड़ती है, ठीक, देखो यहां से चली, देखो बाएं किधर होगा, ये ऊपर आपका दायां होगा, नीचे जो होगा बायां होगा दोस्तों, ठीक, यहां से वो फिर यहां आई बायां आया, कितना चली, वो भी कितना चली, वहां 2 चली, ठीक, 2 चली, देखो यहां से यहाँ 3 चली उत्तर, फिर उसके बाद बाएं मुड़ती है, बाएं 2 चली, फिर वहां से बाएं मुड़ी 3 चली, बाएं मुड़ी, हाँ यहाँ 3 चली, ठीक, इसी बराबर आ गई 3 चली, फिर बोला वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर पर है दोस्तों, देखो तो देखो दोस्तों पहले यहां से चली थी लड़की, चली यहां से थी, यहां गई, अब जाके यहाँ आ गई, ठीक, अब जाके यहाँ आ गई, तो पूछा है यहाँ इसकी और इसकी बीच की दूरी कितनी है, ठीक, यहाँ से इनकी बीच की दूरी कितनी है, देखो दोस्तों ये रहा आपका 2, इसके इसके बीच की दूरी 2 है, ठीक दोस्तों, यही जो होगा इसके इसके बीच की जो दूरी होगा 2 ही होगा, ठीक 2 होगा, ठीक दोस्तों, जो यहाँ होगी इसके घर से और जहाँ पहुंची है उसकी बीच की दूरी 2 होगा, ठीक 2 होगा, देखो 2 किलोमीटर का आंसर रहा, कितना रहा, 2 रहा, तो ठीक दोस्तों इसे आप नोट्स कीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक।
दोस्तों आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे, चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर दो पे। ठीक, चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर दो पे। जो दोस्त आज नए आए हुए हैं वो चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पहली बात तो। ठीक दोस्तों, आपको ट्रिक नहीं बताया जाएगा, दोस्तों आपको ट्रिक नहीं बताया जाएगा, दोस्तों आपको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है, जितने इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन है सॉल्व कराया जाएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, इसी आपके आपके अच्छे समझ में आएगा। ठीक, बाकी जो दोस्तों ट्रिक होगी छोटी मोटी उसे तो बता ही दिया जाएगा। ठीक, आप दोस्तों ट्रिक के चक्कर में ना पिएगा, ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। ठीक, भले एक ही ज्यादा समय लगे। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग का दो है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का दो है, एक सुबह 7 बजे। ठीक, एक सुबह 7 बजे, कितने बजे, 7 बजे सुबह जो है, 7 बजे सुबह 7 बजे नीता ने, कौन थी, नीता थी, नीता ने सूर्य के विपरीत किसके, सूर्य के विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू किया, सूर्य के विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू किया। ठीक, दौड़ना जो है शुरू किया, कौन, नीता ने शुरू किया। वह बाई ओर घूमी, वहां से भाई वो बाई ओर घूमी, कहां से, वह बाई ओर घूमी, बाई ओर घूमी। ठीक, बाई ओर घूमी एवं सीधी दौड़ लगाई, एवं सीधी दौड़ लगाई। ठीक, एवं सीधी दौड़ लगाई और तब दाई ओर, फिर और तब दाई ओर, तब दाई ओर, तब दाई दिशा में घूमकर, दाई दिशा है, दाएं दिशा में, दाएं दिशा में घूमकर, दाएं दिशा में घूमकर सीधी दौड़ी। ठीक, सीधी दौड़ी, सीधी दौड़ी, सीधी दौड़ी, तब वह पुनः बाई ओर मुड़ गई, तब वह पुनः बाई ओर, तब वह पुनः बाई ओर मुड़ी, बाई ओर मुड़ी, बाई ओर मुड़ी। अब उसका मुंह कौन सी दिशा में है दोस्तों, अब उसका मुंह जो है, उसका मुंह कौन सी दिशा में है दोस्तों, आज का दोस्तों जो है ये सियाही सब खत्म है, थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा होगा आपको, जैसे मैं बोल रहा आप नोट्स कर लीजिएगा, कल से प्रॉब्लम नहीं होगी। कौन सी दिशा में है, ठीक, कौन सी दिशा में है दोस्तों, इसके ऑप्शन है आपके, ये हैं, ईस्ट रहा, वेस्ट रहा, वेस्ट रहा, वेस्ट रहा,
नॉर्थ रहा, साउथ रहा, SOUTH। ठीक दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन। ठीक, जिसके ऑप्शन है ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। क्या है? ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। ठीक, एक सुबह क्या हुआ, एक सुबह 7 बजे नीता ने सूर्य के विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू किया। वह बाईं ओर घूमी, फिर एवं सीधी दौड़ लगाई, और तब दाईं दिशा में घूमकर सीधी रेखा सीधी दौड़ी। तब वह पुनः बाईं ओर मुड़ी। अब वह उसका मुंह कौन सी दिशा में है? ठीक, अब जो उसका मुंह है कौन सी दिशा में? दोस्तों देखो, दोस्तों इसमें पहली बात तो दिशा नहीं दिया है, जो है इसमें दिशा, देखो जो सुबह, खाली सुबह बोला है पर दिशा नहीं दिया है। पर देखो दोस्तों, सुबह जो सुबह होता है, सुबह जो जो सन होता है, जो आपका जो सन होता है, सूर्य होता है दोस्तों, ये मान लो ये रहा आपका ईस्ट रहा, सुबह बोला है, मतलब जो मान लो सुबह है तो पूर्व से जो है स्टार्ट किए दौड़ना, वहां से पूर्व। ठीक देखो दोस्तों, ये रहा सुबह, ये आपका रहा ईस्ट होता है दोस्तों, ईस्ट दिशा में निकला सूर्य भगवान। तो दोस्तों ये रहे सूर्य भगवान अपने। ठीक, और दोस्तों यहाँ सुबह हो गई। ठीक, यहाँ सुबह हुई। अब नीता थी, नीता यहाँ यहाँ पॉइंट में खड़ी हुई थी, इस पॉइंट में नीता जो खड़ी हुई थी यहाँ इस बिंदु पे। ठीक, जो नीता थी, नीता यहाँ खड़ी हुई थी, और जो सूर्य भगवान है यहाँ से निकले हुए हैं। ठीक, तो दोस्तों बोले बोलना क्या, देखो दोस्तों, सूर्य के विपरीत बोला है, मतलब सूर्य के उल्टा। ठीक देखो दोस्तों, ये तो सीधा हो जाएगा, ये जो है इधर आएगी सीधा हो जाएगा, पर क्या हमको उल्टा जाना है, सूर्य के उल्टा जाना है, विपरीत जाना है दोस्तों। ये इधर जाएगी नीता, जो कि इधर जाएगी। ठीक, यहाँ ऐसे ऐसे गई। ठीक, देखो फिर क्या बोला, फिर सूर्य के विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू की। तो यहां से दौड़ना शुरू की नीता, यहां तक पहुंची अभी तक। फिर वह बाई और घूम गई, यहाँ भाई जब यहां तक पहुंची, यहां तक पहुंचने के बाद बाई और घूमी है। कहाँ घूमी है? बाई और घूमी है। देखो ऐसे बाई नीचे, तरफ बाई होगा। ठीक दोस्तों, फिर नीचे घूमी है, देखो नीचे बाई होगा, क्योंकि ये पार्ट है हमारा, जो पार्ट गोरा वाला है ये दाया होता है, और जो पीछे वाला जो ब्लैक पार्ट है ये बाया होता है। ठीक दोस्तों, हमने बताया था पिछले वीडियो में। ठीक देखो दोस्तों, बायां घूमी है, देखो ये हाथ अपना है, इस पे रखे पॉइंट। ठीक देखो, ये ऐसे नीचे, तो नीचे बायां होगा, ऊपर जो पार्ट है ये दायां होगा, ऊपर वाला पार्ट जो साफ दिखाई पड़ रहा है आपको। ठीक देखो, फिर क्या है, बायां घूमी। ठीक, यहाँ से बायां घूम गई। ठीक, तो घूमते घूमते यहाँ आ गई, तो नीता थी, घूमते घूमते यहाँ आ गई इस पॉइंट पे। अब देखो अब क्या हुआ, सवाल बोल रहा है। ठीक, बाई और घूमी और एवं सीधी दौड़ी, यहाँ से बाई घूमने के बाद सीधी दौड़, अभी तक दौड़ी रही है वो। ठीक, सीधी दौड़ी, दौड़ लगाई, और तब दाई दिशा में घूमकर। अब देखो दोस्तों, यहां से जो है दाई घूमी है। ठीक, तो दोस्तों देखो, अपना हाथ ले जाओ इस पे, अपना हाथ जो है इस पे ले जाओ, देखो दाई दिशा में जाना है आपको, ये ऐसे ले जाएंगे आप हाथ को, ऐसे ले जाएंगे तो दाई दोस्तों किस तरफ, उस तरफ होगा ना, तो दाई होगा आपका ऐसे होगा, इधर इधर, तो देखो दाई आपका। ठीक, तो दाया रहा दोस्तों आपका। अब हाथ को ऐसे रखेंगे, दिखा रहे हैं आपको, देखो यहाँ से सीधा होकर के देखो, ये रहा ऐसे रखेंगे, देखो ये दाई रहा हमारा भाग, ये रहा दाया इस तरफ, और इस तरफ जो है हमारा बाया रहा। ठीक, तो ठीक दोस्तों देखो, यहाँ से वो कहाँ गई, दाई दिशा में घूमकर सीधी रेखा में दौड़ी, यहाँ से जो थी कहाँ थे, देखो इधर गए, हाँ ये दाई गई। ठीक, हाँ दाई दिशा में घूमकर सीधी रेखा में दौड़ी। तब वह पुनः बाई ओर मुड़ी, फिर तो दोस्तों देखो, दाई ओर जाने के बाद फिर पुनः बाई ओर मुड़ी। ठीक, यहाँ से जाने के बाद अब फिर बाई ओर मुड़ी, तो देखो जो बाई होगा दोस्तों नीचे होगा, जो बाया होगा हमका, ये देखो पार्ट जो है नीचे होगा, देखो ये नीचे आया। ठीक, अब आके यहाँ पहुंच गई, आके कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। अब क्या पूछा, बाई ओर घूमकर सीधा दौड़ी, अच्छा यहाँ हाँ मुड़ी। अब उसका मुंह जो है, जो उसका मुंह है कौन सी दिशा में है, जो उसका मुंह है दोस्तों कौन सी दिशा में है। ठीक देखो, अब देखो दोस्तों, जो उसका मुंह है, यहाँ से पहुंची होगी नीता। ठीक, यहाँ पहुंची है तो कहाँ देख रही है, नीचे देख रही है ना, मतलब साउथ में देख रही है, कहाँ देख रही है, साउथ में देख रही है। ठीक देखो दोस्तों, यहाँ से चली थी, चली यहाँ से थी, मुड़ी पहले बाएं, बाएं मुड़ने के बाद फिर मुड़ी दाएं, दाएं मुड़ने के बाद फिर मुड़ी बाएं। ठीक, तो कौन सी दिशा में देख रही है। ठीक दोस्तों, देख रहे हो फिर कौन सी दिशा में देख रहे हैं, दक्षिण दिशा में देख रहे, दक्षिण दिशा में, देखो ये रहा दक्षिण आपका, यस इसे बोलते हैं साउथ। ठीक, ये आपका दक्षिण दिशा, ये रहा साउथ। ठीक,
दोस्तों इसकी दिशा होगी साउथ होगी, ठीक साउथ होगा। तो इसे आप नोट्स कीजिए, चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो दोस्तों ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 2, आपने क्वेश्चन नंबर 2 आप अच्छे रूप से समझ लिए होंगे, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों जितने कॉन्सेप्ट हैं पूरा कॉन्सेप्ट बता करके तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, ठीक। पूरे क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट बताने के बाद तब आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। बट जो दोस्त नए आए हैं चैनल पे वो जाके वीडियो जो है पिछली वीडियो वो जाके अवश्य देखें, ठीक। पिछले जो वीडियो दोस्तों वो जाके अवश्य देखें, ठीक, तभी आप जो है कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि इसमें दिशा खेला है दायां बायां का, सबसे बड़ा दायां बायां का। अगर आपको अगर दायां बायां ज्ञान नहीं है तो फिर दोस्तों फिर कुछ नहीं ज्ञान है, फिर आपको दायां बायां ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक। तो दोस्तों आपको दायां बायां का जब ज्ञान होना आवश्यक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है दोस्तों, एक है राधे श्याम, कौन भैया राधे श्याम है, मान लो राधा और श्याम ही है, ठीक। अच्छा नाम चेंज कर ले, मान लो मंगू है, मंगू बेटा फिर से आ गया आज, कौन आ गया, मंगू, मंगू आ गया फिर से आज भाई, मंगू लिए कल से लिए थे, परसों लिए थे, आज नहीं लिए थे, मंगू है अपने, मंगू का किए पहले पूर्व में, जो मंगू थे पहले गए पूर्व, कहाँ गए मंगू, मंगू पहले पूर्व पूर्व में मुंह किए हुए हैं, ठीक। मंगू जो है पूर्व में मुंह किए हुए हैं, पूर्व में मुंह, मंगू पूर्व में पूर्व में मुंह किए हुए हैं, ठीक। पूर्व में जो है मुंह किए हुए हैं। आप लोग दोस्तों से नोट्स करते रहिएगा, ठीक, नोट्स करते रहिएगा, मुंह किए हुए हैं। फिर कहा कि मंगू जो थे, मंगू भैया जो है ना वह 90 अंश की घड़ी पे, वह जो मंगू थे, मंगू 90 अंश, कितने 90 अंश पे घड़ी के विपरीत दिशा में, 90 अंश घड़ी के विपरीत दिशा में, कौन सी विपरीत दिशा में, ठीक, विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू किया, ठीक, दौड़ना शुरू किया। वह बाई ओर घूमा, जो मंगू भैया थे वहां से वो बाई ओर घूम गए, कहां, वह बाई ओर घूमा, कहां घूमा, बाई ओर घूमा एवं सीधी रेखा में, सॉरी 90 अंश की घड़ी में, 90 अंश की घड़ी विदिशा में मुड़ता है, गला लिख दिया यार घड़ी के, हम लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2 छापने लगे थे यहां से, ठीक, सॉरी दोस्तों। तो ये देखो विपरीत दिशा में मुड़ता है, ठीक, मुड़ता है एवं पुनः 180 अंश की दिशा में, तो 180 अंश की दिशा में, ठीक, कितना 180 अंश की दिशा में मुड़ता है, 180 दिशा में मुड़ता है, अतः वह घड़ी की दिशा में, अतः वह घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में
घड़ी की दिशा में 45 अंश घूमता है। कितना घूमा? 45 अंश घूमता है, 45 अंश घूमता है, 45 अंश घूमता है। अब वह कौन सी दिशा में? अब वह कौन दिशा में मुंह किए हुए हैं? ठीक, मुंह किया हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो दोस्तों क्वेश्चन है बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे समझिएगा। ठीक दोस्तों, जो आपके बुक में है, बुक में क्वेश्चन दिए कि नहीं दिए हैं या नहीं पता। और दोस्तों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्वयं कहाँ से, जो पिछले वर्ष पेपर में आए हुए हैं दोस्तों एसएससी के, उससे क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक दोस्तों, तो ये देखो, ये रहा आपका वेस्ट रहा, ये रहा आपका साउथ रहा, और जो ये रहा आपका, ये रहा ईस्ट रहा। ठीक, और ये रहा आपका साउथ वेस्ट रहा। कौन सा रहा? साउथ वेस्ट रहा। ठीक दोस्तों, ये रहा आपका पश्चिम रहा, वेस्ट बोलते हैं, ये रहा साउथ रहा, ये आपका ईस्ट रहा, ये साउथ और वेस्ट रहा। ठीक, इसे बोलते हैं पश्चिम, इसे बोलते हैं दक्षिण, इसे बोलते हैं दक्षिण। ठीक, इसे बोलते हैं पूर्व, इसे बोलते हैं, लिख दे रहे हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक, ये आपका पूर्व है, ये आपका दक्षिण है। ठीक, और ये आपका पश्चिम है। दोस्तों रहा क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक, देखिएगा, पहले क्वेश्चन मिला लेते हैं। ये मुंह पूर्व में किए हुए 90 अंश घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी विपरीत दिशा मुड़ता है, पुनः 180 मुड़ता है, अतः अंत में घड़ी की दिशा में वह घड़ी की दिशा में 45 घूमता है। अब वह कौन सी दिशा में मुंह किया? सही दोस्तों, देखो दोस्तों क्वेश्चन ये है आपका, मंगू जो है, मंगू पूर्व की दिशा में मुंह किए हुए हैं। ठीक, वह 90 अंश के घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मुड़ता है, फिर एवं पुनः 180 अंश की दिशा में मुड़ता है, पुनः 180 अंश दिशा में मुड़ता है, अतः वह घड़ी के दिशा में 45 अंश घूमता है। अब वह कौन सी दिशा में, जो उसका मुंह है मंगू का, वो कौन सी दिशा में, दोस्तों उनको पता करना है। ठीक दोस्तों, कौन सी मतलब दिशा में खड़ा हुआ है मंगू प्रेजेंट टाइम में, वही पता करना है। ठीक दोस्तों इसमें भी हमको बायां दायां खेला है। ठीक, बायां दायां और एंगल, जो एंगल दिए हैं दोस्तों, एंगल पूरा खेला है, कोण का। ठीक देखो दोस्तों, जो आपका एंगल का खेला है, हम बता रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, जहां जितना एंगल दिया हो। ठीक, जहां जितना एंगल दिया हो आपको पूरा समझ में आएगा। देखो दोस्तों, ये आपका रहा डायरेक्शन। ठीक, ये रहा आपका ईस्ट रहा, ये रहा आपका वेस्ट रहा, ये आपका नॉर्थ रहा, ये आपका साउथ रहा। देखो मंगू का काम किए, मंगू पूर्व की दिशा में मुंह किए थे, जो मंगू भैया थे, जो मंगुआ था अपना, कहाँ खड़ा था? पूर्व दिशा में। ठीक, ये मालूम मंगू यहाँ खड़े हुए थे, ये रहे भाई मंगू भैया, मंगू यहाँ खड़ा होके देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, यहाँ मान लो दिन, और यहाँ मान लो सूर्य निकल रहे हैं, जो हमारे यहाँ सूर्य भगवान जी हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, मान लो निकल ही रहे हैं, तो जो है ये यहीं पर देख रहे हैं सूर्य भगवान को, जो मंगू है देख रहे हैं यहाँ भैया सूर्य भगवान निकले हुए हैं। ठीक, तो हुआ का एक ये हुआ कि 90 अंश घड़ी के विपरीत। ठीक दोस्तों, 90 अंश घड़ी के विपरीत दोस्तों जो आपकी घड़ी होगी, घड़ी दोस्तों, ये है आपकी, तो ये आपकी घड़ी रही। ठीक, ये रही आपका 12, ये रही आपका 6, ये रही आपका 3, ये रही आपका 9। ठीक, तो दोस्तों जो आपकी घड़ी चलती है, तो घड़ी दोस्तों ऐसे ऐसे चलती है आपकी, ऐसे, ठीक ना, चलती ऐसे आपकी घड़ी। ठीक, पर क्या बोल रहा है, घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत बोल रहा है दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों मतलब जो घड़ी आप चलती ऐसे है, बट घड़ी के विपरीत मतलब पीछे जाना है उसके। ठीक, घड़ी के उल्टा चलना है हमको। ठीक, देखो तो बोला है वह 90 अंश, कितना? 90 अंश। तो दोस्तों यहां से वो 90 अंश घूमा मंगू,
जो मंगू थे वहां से, यहाँ से देखो दोस्तों, पहले पूर्व देख रहा था, पूर्व में देख रहा था, पूर्व देखने के बाद वहां से 90 अंश घूम गया, ठीक 90 अंश घूमा, वो कहां, घड़ी के विपरीत, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमा, कितना 90 अंश। फिर क्या हुआ देखो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया है, घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है एवं पुनः जो है 180 अंश की दिशा में, कितना 180 अंश दिशा में। दोस्तों देखो दोस्तों, जो हमारा एंगल होता है इस ये और ये दोस्तों, इनके बीच जो होता है 90 अंश होता है, ठीक। और दोस्तों बोला है फिर यहाँ जो पहुंचा मंगू, जो दोस्तों यहाँ मंगू पहुंचने के बाद यहाँ से अब 180 अंश फिर घुमा है, वो कौन, एंटी क्लॉकवाइज घुमा, एंटी क्लॉकवाइज में 180 अंश फिर घुमा हुआ है, ठीक दोस्तों। तो देखो दोस्तों, यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज ही 180 अंश फिर उससे और ले जाएंगे कहाँ, देखो यहाँ देखो दोस्तों, अभी तक तो मंगू यहाँ था, नॉर्थ में था, अभी पहुंचा था नॉर्थ में, ठीक। अब नॉर्थ में पहुंचने के बाद देखो अब कहाँ पहुंचता है, देखो यहाँ से फिर पहुंचा है 90, ये देखो वो 90 हुआ, फिर यहाँ पहुंचा ये 90 हुआ, टोटल दोस्तों 180 हो गया, कितना देखो, यहाँ से आप यहाँ तक आए 90 हुआ, ठीक, आपने यहाँ से यहाँ तक आए 90 हुआ, फिर आपने यहाँ से यहाँ तक आया तो 180 हुआ, ठीक, कितना 180 हुआ, ठीक दोस्तों, ये आपका यहाँ इससे यहाँ से यहाँ 90 हुआ, ठीक, फिर आपने यहाँ से यहाँ आया, कितना 180 हुआ, ठीक। तो दोस्तों अब देखो अब क्या कहा, 180 अंश की दिशा में मुड़ता है, ठीक, फिर अतः हुआ घड़ी के दिशा में 45 अंश घूमता है, ठीक, 180 अंश यहाँ तक पहुंचने के बाद, यहाँ जो है साउथ दिशा है, साउथ दिशा में पहुंचने के बाद फिर दोस्तों क्या किया ना, फिर 45 अंश फिर घूमा है कहाँ, वो भी घड़ी की दिशा में घूमा है, कौन सी दिशा में घूमा है, घड़ी की दिशा दोस्तों जो दोस्तों जो घड़ी दिशा होगी क्लॉकवाइज दोस्तों जो घड़ी होगी, देखो यहाँ से घुमाना है 45 अंश दोस्तों, मान लो जो तो आपकी घड़ी होगी, घड़ी देखो मान लो जो ऐसे ठीक रुको फिर सुनाते आपको, देखो जो आपकी घड़ी है, जो दोस्तों घड़ी आपकी है, ये रही आपका 12 रहा, ये रहा आपका 6 रहा, ये रहा आपका 9 रहा, ये रहा 3, ठीक। जो आपकी सुई है दोस्तों, जो आपकी सुई नहीं है यहाँ पे, जो तो सुई चलती है देखो ऐसे 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 चलती है ना, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो दोस्तों बोला है घड़ी के दिशा में 45 अंश घुमा, तो यहाँ जो पहुंचा था यहाँ से उसे फिर दोस्तों घुमाना है 45 अंश, ठीक। देखो दोस्तों यहाँ से घुमाएंगे फिर 45 अंश ऐसे दोस्तों यहाँ आएगा, यहाँ एकदम मिड पॉइंट पे, एकदम यही मिड पॉइंट पे आएगा दोस्तों, यही 45 होगा दोस्तों, यहाँ तक ये रहा आपका, ये रहा आपका 45, ये रहा आपका 45 दोस्तों। ये पूछा है 45 अंश घूमता है, अब वह कौन सी दिशा में मुंह किया हुआ है, दोस्तों। तो देखो दोस्तों जो पहुंचा है मंगू भैया, जो मंगुआ था आपका, मंगुआ पहुंचा है यहाँ, कहाँ पहुंचा है मंगू पहुंच गया यहाँ पर, ठीक। तो यही पूछा है मंगू कौन सी दिशा में पड़े हुए हैं, देखो दोस्तों ये आपका रहा वेस्ट रहा, ये आपका रहा पश्चिम रहा, ये रहा आपका पश्चिम रहा, ये रहा आपका दक्षिण। तो दोस्तों जो है जो मंगू थे दक्षिण और वेस्ट, मतलब दक्षिण और पश्चिम के बीच में जाके एकदम मिडिल में खड़े हुए हैं, ठीक। जो मंगू थे दक्षिण और पश्चिम के जाके बीच एकदम खड़े हुए हैं ना, क्योंकि दोस्तों जो मंगू थे अपने पहुंच गए यहाँ ननिहाल, मतलब के नानी का घर था यहाँ, कहाँ दक्षिण और पश्चिम के मध्य में उनके नानी घर था, वहीं पहुंच के ना चाय नाश्ता पानी कर रहे हैं आराम से बैठ के, ठीक। दोस्तों यहीं पहुंच गए हैं मंगू भाई, ये रहे अपने मंगू और यहीं बैठ के कर रहे हैं चाय नाश्ता पानी, ठीक दोस्तों। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक दोस्तों। जहां से आपको अच्छे से कम्प्लीटली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसको अच्छे से नोट्स कीजिए जो बनाया ने फिगर को, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नोट्स कीजिए, फिर दोस्तों आप इसे लिखिए, ठीक। तो दोस्तों आप इसे नोट्स कर लिए होंगे, इसे आप नोट्स कर लिए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब आज की टॉपिक दोस्तों यहीं पर टॉपिक जो हम समाप्त करते हैं, ठीक। तो दोस्तों हमने 3 क्वेश्चन किए अब तक, कितने किए, 3 किए, वो भी 3 क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, कितने थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, वो भी धांसू थे, ठीक। छोटे मोटे क्वेश्चन है दोस्तों, धांसू क्वेश्चन थे, वो अच्छे थे, ठीक, वो भी एकदम उच्च लेवल के थे, कितना उच्च लेवल के थे क्वेश्चन, ठीक। तो जो जो दोस्त नए आए हुए हैं चैनल पे, उसे वो जाके पिछली वीडियो अवश्य देखें, ठीक दोस्तों।
पिछले बिट जाके अवश्य देखें, आप जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों, ठीक। और जो दोस्त आज आए हुए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों जो हम लोग का ये दिशा और दूरी है, अभी हम लोग कल तक और करेंगे, कल तक अभी और करेंगे, फिर उसके बाद जो है एक नया चैप्टर फिर से चालू होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग जो दिशा और दूरी का जितने क्वेश्चन है आप कोई प्रैक्टिस बुक ले लो, प्रैक्टिस बुक से आप सॉल्व करते रहो, ठीक। अभी से सॉल्व करते रहो दोस्तों, जितना दिशा और दूरी की क्वेश्चन है आप सॉल्व करते रहिए, फिर मान लो जो क्वेश्चन बचते हैं आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जो क्वेश्चन को डाल सकते हैं, फिर दोस्तों अब वहां से आपका जो है क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, मैं सॉल्व करके दोस्तों नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको बता दिया जाएगा, जो जो आपका मतलब क्वेश्चन रहेगा बता दिया जाएगा, ठीक दोस्तों। जो दोस्तों आज की वीडियो है जो यही करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो दोस्त नए आ जाए हुए हैं वो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।